महासमुंद जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की योजनाएं बजट के अभाव में बंद हो गई हैं। आपको बता दें कि महासमुंद जिले में 1789 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 9400 है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की संख्या 7882 है। वहीं बात किया है माताओं की संख्या 6677 एवं एनेमिक महिला और बच्चों की संख्या लक्ष्य संख्या 9895 है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गर्म भोजन रेडी टू ईट मुख्यमंत्री को सुपोषण अभियान चल रहा था, जिसमें रेडी टू ईट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अप्रैल माह से बजट के अभाव में बंद है। और यह कहना उचित नहीं कि सारी योजनाएं ठप हो गई हैं, योजनाएं जो हैं जारी हैं। हाँ, रेडी टू ईट का जो प्रवाह है वो जून माह तक सप्लाई हुआ था, जुलाई माह में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अभी वो भी आना शुरू हो गया है, तो रेडी टू ईट जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात है, तो फिलहाल उसका प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त होने से और बजट प्राप्त होने के उपरांत इसको जो है प्रारंभ किया जा सके। अभी आंगनवाड़ी में वर्तमान में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरी बालिका व 15 से लेकर के 49 तक की जो महिलाएं हैं उनको हम गर्म भोजन से लाभान्वित कर रहे थे। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो एनीमिक महिला रहती है वो एनीमिया से बाहर हो सके, वही गर्भवती महिला भी इसका लाभ ले रही थी। तो वर्तमान में ये योजना लगभग 2 महीने से बंद हो गया है और रेडी टू ईट योजना से भी महिलाएं व बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। वर्तमान में जून महीने से वो योजना भी बंद हो गई है। तो इब्राहिम पूछते हैं कि रेडी टू ईट क्यों नहीं मिल रहा है, तो शासन की जब योजना फिर से शुरुआत होगी तो फिर से हम रेडी टू ईट उनको देंगे करके आश्वस्त करते हैं। रेडी टू ईट के साथ में आटा का भी सप्लाई होता है, तो जब से रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है तब से आटा का सप्लाई भी बंद हो गया है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र में रोटी नहीं बन पा रहा।